Today's topic for the class is job analysis. This also comes under the psychology in industry and organization. We have already discussed about process of personnel selection in detail in our previous classes. And I have also told you how recruitment is different from the personnel selection. Recruitment is the initial process through which we attract the desirable and valuable applicant for a particular job, particular position. And how this recruitment is being done is very important. So for any job, there must be certain kind of role and responsibility and the ability, knowledge and skill to perform those role and responsibility. We have to know about these things before any recruitment process, to starting any recruitment process. So the job analysis is a very important thing, and in job analysis we are going to understand what is the job analysis, what are the component, what are the importance, what are the steps. So sequentially I will discuss all these things in today's class. First, see what is the job analysis. Job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of a specific job. किसी भी कार्य को करने के लिए किस तरह की योग्यता क्षमता की आवश्यकता होती है, पहली चीज, और उस कार्य में, उस जॉब में करना क्या है, इन्हीं सब की जो है सिस्टमैटिक एनालिसिस, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी को हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब है कि एनालाइजिंग द जॉब, एंड इन एनालाइजिंग द जॉब वी जनरली ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब, जॉब है क्या, उसमें आपकी ड्यूटीज क्या होगी, रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, किस वर्क एनवायरमेंट में ये काम होगा और इस कार्य को करने के लिए किस विशेष प्रकार के नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो दो महत्वपूर्ण चीज है, एक तो जॉब में करना क्या है और दूसरा ये जॉब करेगा कौन, करेगा कौन मतलब पर्सन, एम्प्लॉय, उसकी क्या क्षमता, योग्यता, नॉलेज, स्किल, ये सब की जरूरत होगी। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस जॉब एनालिसिस में, ये चीजें हम लोग देखेंगे आगे। कई डिफिनेशंस हैं जॉब एनालिसिस की, मैं आपके सामने कुछ डिफिनेशंस रखा हूं, जैसे मैथिसन जैक्सन की है, जॉब एनालिसिस एज ए सिस्टमेटिक वे टू गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच जॉब आर परफॉर्म। तो जॉब का कंटेंट क्या होगा, उस कार्य को करने के लिए ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या होगी और किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी किस एनवायरमेंट में जॉब परफॉर्म की है। दूसरी परिभाषा रजियर की है, इन्होंने भी लिखा कि जॉब एनालिसिस एज अ प्रोसीजर टू बी जॉब एनालिस्ट डिटरमाइन द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल टू हायर देम। पोजीशन की क्या ड्यूटी है, मतलब उस पद की क्या
उस पद में अगर आप हैं, उस पद पर है, तो आपके क्या कर्तव्य होंगे, और उन कर्तव्य को करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तीसरी परिभाषा जो है योडर की है, इन्होंने, ये बहुत पुरानी परिभाषा है, और इसमें योडर लिखते हैं कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस इन विच जॉब आर स्टडीज टू डिटरमाइन विच टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दे इंक्लूड देयर रिलेशन टू द अदर जॉब, द कंडीशन अंडर विच वर्क इज परफॉर्म एंड द पर्सनल कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द राइट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ये परिभाषा इस हिसाब से देखें तो काफी विस्तृत है, क्योंकि इन्होंने इन सारी चीजों को इंक्लूड किया है जो आज की डेट में जॉब एनालिसिस में की जाती है। ठीक है, तो टास्क क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक जॉब का दूसरे जॉब के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, किस कंडीशन में जॉब परफॉर्म की जाएगी, और करने वाले सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देने के लिए जो पर्सनल है, जो कर्मचारी है, उसकी क्या क्षमता योग्यता होगी, इन सब के एनालिसिस इस प्रक्रिया में कर। एक और पुरानी परिभाषा देखिए, स्ट्रॉस एंड टाइलिस की है, इनका मानना है कि जॉब एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ए स्टेटमेंट ऑफ वर्क टू बी डन, जिसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और दूसरा क्या है, स्किल एंड नॉलेज विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय एनीवन फिलिंग द जॉब, जिसको कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन पहला ये बताते हैं कि क्या है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क टू बी डन, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन में, उस जॉब में करना क्या है, जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और दूसरा क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार के नॉलेज स्किल की आवश्यकता होगी। उसी तरह से गैरी डेसलर की परिभाषा है, उनकी एचआरएम की बुक भी है, आपको अब आगे आएंगे तो आपको इस बुक्स मिलेंगे पढ़ने को। ठीक है, डेसलर मानते हैं कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटी एंड स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड बी हायर फॉर इट। वही चीज वो भी कहते हैं, ड्यूटीज एंड स्किल, क्या करना है और जो करने वाला है उसकी क्या स्किल क्षमता होनी चाहिए। अगली परिभाषा आप देखें फ्लिपो की है, फ्लिपो का मानना है कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पेसिफिक। उसी तरह से फ्लिपो ने भी बताया, रॉबिन्स डिसिंजो, आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किताब, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम की किताब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगी, ये रॉबिन्स डिसेंजो की। रॉबिन्स डिसेंजो का जो मानना है कि जॉब एनालिसिस इज सिस्टमेटिक वे टू गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड द ह्यूमन रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच जॉब परफॉर्म। तो इसमें भी तीनों चीजें हैं कि जॉब का कंटेंट क्या होगा, उस जॉब को करने के लिए ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या होगी, और कंडीशन जिसमें ये जॉब परफॉर्म की जाए। अगर हम एक सिंपल टर्म में कहें तो जॉब एनालिसिस क्या है, कलेक्टिंग डेटा अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब की जो परफॉर्मेंस होगी संगठन में उसके संदर्भ में डेटा कलेक्ट करना। ये परिभाषा काफी सिंपल हो सकती है, क्योंकि जॉब एनालिसिस में कई तरह की सूचनाएं कलेक्ट की जाती है, किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो सब जॉब एनालिसिस में कलेक्ट करते हैं लोग। तो अगर देखें तो जॉब एनालिसिस में किन किन तरह की सूचनाएं हो सकती, नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी,
इन तीन चीजों को जरूर जॉब एनालिसिस में इंक्लूड करना चाहिए, नॉलेज, किसी भी काम को करने के लिए जो भी टेक्निकल या स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो होना चाहिए। स्किल यानी कि किसी टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, और एबिलिटी जो होती है वो फिजिकल एंड मटेरियल कैपेबिलिटीज उसको कहते हैं। ये टूल, इक्विपमेंट और मशीनरी से रिलेटेड नहीं है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना एबिलिटी नहीं है, स्किल है। एबिलिटी का यहां मतलब आपके मेंटल एबिलिटी से, यू मस्ट हैव सर्टेन लेवल ऑफ IQ, ठीक है। बहुत की मेंटल एबिलिटी होने के बाद भी स्किल नहीं होता है। मेंटल एबिलिटीज से मतलब यहां पर है आपके IQ से है, एबिलिटी से हम मतलब फिजिकल और मटेरियल कैपेबिलिटीज, ठीक है। हर जॉब को करने के लिए कुछ खास तरह के मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, और स्किल जो किसी मशीन, तो उस मशीनरी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने की जो आपके क्षमता होती है उसको कहते हैं। और नॉलेज, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन यू गेन एंड यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज द नॉलेज। तो ये सब सारी चीजें जॉब एनालिसिस में रखते हैं। तो पहली चीज की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, एबिलिटी होगी तभी स्किल और नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है। सो द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड बाई जॉब एनालिस्ट, किन किन तरह की सूचनाओं को जॉब एनालिसिस में रखते हैं, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, वर्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मशीन, टूल, इक्विपमेंट एंड वर्क एड्स आर यूज, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड टेंजिबल, वर्क परफॉर्मेंस, जॉब कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। इतनी सूचनाएं हैं जो को हम जॉब एनालिसिस में रखते हैं, ठीक है, या उसको कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जॉब एनालिसिस जॉब से रिलेटेड जो उसकी जॉब का नेचर और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की प्रक्रिया है। ये जो है इस बात को निर्धारित करती है कि किस प्रकार का काम है, उस काम को करने के लिए किस प्रकार के स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आवश्यकता होगी, और लास्ट में जो जॉब एनालिसिस के बारे में एक रिटन डिस्क्रिप्शन आवश्यक होता है। तो तमाम सूचनाओं को गेन करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद एक रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को हम लोग जॉब एनालिसिस कहते हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ जॉब एनालिसिस की बात करें तो अभी जो परिभाषाएं हमने आपको बताई उसकी एनालिसिस करेंगे तो कुछ उसकी फीचर, सर्टेन फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे पहला फीचर क्या है कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ जॉब एंड आइडेंटिफाई टास्क रिक्वायरमेंट टू बी परफॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ। प्रक्रिया तो है इस बात से तय है कि आपने जो भी परिभाषाएं देखी उसमें इस बात का जिक्र है कि जॉब एनालिसिस एक प्रक्रिया है, और किस बात की प्रक्रिया है, तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए किसी जॉब के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, और उस जॉब को करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए
इस प्रकार की क्षमता दे। दूसरी क्या है, अप्रोच सिस्टमेटिकली डिफाइन द रोल कॉन्टेक्स्ट कंडीशन ह्यूमन बिहेवियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब। तो ये जो जॉब एनालिसिस है, एक प्रकार से पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्या रोल होगा, अगर वो जॉब होल्डर है तो उसका रोल क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कंडीशंस क्या होगा, कंडीशंस में दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार का होगा, उसमें परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या होगा, किस कब मानेंगे कि ये जो है आप अप टू द परफॉर्मेंस है या बिलो द परफॉर्मेंस है, बिलो द स्टैंडर्ड है, एक मानक तय किया जाता है जिसके आधार पर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और उस जॉब के अंदर कौन कौन सी आपकी जिम्मेदारियां। तीसरा फीचर है, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द जॉब्स वर्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस जॉब की संगठन में क्या महत्व है, क्या मूल्य है, इसको ये जॉब एनालिसिस एस्टैब्लिश करता है, संगठन के ग्रोथ में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में उस पर्टिकुलर जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये भी इससे पता चलता है। नेक्स्ट इसमें जो फीचर है, इट एस्टैब्लिशेस जॉब रिलेटेडनेस विच इज क्रूशियल फॉर एचआर डिसीजन इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी। मैंने उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, एक जॉब दूसरे जॉब से किस तरह से संबंधित है, इस जॉब में किस प्रकार का रोल करना है, आपको काम करना है, किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं, इसमें सैलरी कैसे कितनी होगी, ये सब तमाम चीजें इस जॉब एनालिसिस से ही आती। रिक्रूटमेंट करना है तो पद क्या है, पद में आपको काम क्या, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है और क्या आपसे योग्यता है, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार सिलेक्शन होता है, उसी के अनुसार आपको कंपनसेशन मींस सैलरी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ध्यान दिया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जो जॉब एनालिसिस के थ्रू जान पाते हैं। नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और यूज ऑफ दिस जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग कई उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन में स्ट्रक्चर, आप आगे आएंगे तो मैं आपको और क्लियरली बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और डिजाइन क्या है। स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं करता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है जिसमें जॉब्स की इंटर रिलेटेडनेस, एक जॉब के दूसरे जॉब से क्या संबंध है, प्रत्येक लेवल पर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफिशियंसी को कैसे प्रमोट करें और ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये सब स्ट्रक्चर और डिजाइन के द्वारा तय होता है। जॉब में आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन को तय करने में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन, ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा, आपका स्ट्रक्चर टॉल होगा, फ्लैट होगा, ब्यूरोक्रेटिक होगा या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा, ये सब सारी चीजें तय करने में इसका रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली
ग्रुप डिवाइडेड एंड कोऑर्डिनेटेड। कैसे कार्य को, एक तरह के कार्य हम उनको ग्रुप बनाते हैं, जैसे विभाग बनते हैं, आप सुने होंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस मैनेजमेंट, अब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में एक ही विभाग तो है नहीं, छह विभाग है, तो ये छह मिलकर मतलब हाउ जॉब टास्क का ग्रुप ग्रुपिंग की गई है। डिवाइडेड, अब उस ग्रुपिंग के बाद भी डिविजन है कि इसमें विशेष योग्यता के अनुसार आपका अलग अलग विभाग बना है, और कोऑर्डिनेटेड, इनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी, ह्यूमन रिसोर्स का नाम आपने सुना होगा, आज के ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए MBA जो आप नाम सुने हो ना, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें यही सब तो सिखाया जाता है आपको, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होती है, इसमें ट्रेनिंग है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, ये किस आधार पर होगा, उसमें जॉब एनालिसिस की आवश्यकता होती है, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, ये जॉब एनालिसिस से। ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों है किसी को, प्रमोशन की आवश्यकता क्यों है, प्रमोशन किसको कब कैसे दिया जाए, ये सब सारी चीजें हमको जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस जो इंफॉर्मेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वर्क सिंप्लीफिकेशन, किसी भी काम को सरल करने के लिए ये जॉब एनालिसिस की आवश्यकता होती है, जॉब एनालिसिस का जो डेटा है उसको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। वर्क सिंप्लीफिकेशन मींस डिवीजन ऑफ वर्क इन स्मॉल यूनिट, स्मॉल पार्ट, डिफरेंट ऑपरेशन प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको जॉब एनालिसिस की जरूरत। सेटिंग अप स्टैंडर्ड, ये भी आवश्यक, किसी भी जॉब में तो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट के इवेल्युएशन के लिए स्टैंडर्ड मानक तय होता है उसके द्वारा, तो प्रत्येक जॉब का जो स्टैंडर्ड है वो जॉब एनालिसिस के जो इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा तय किया जाता है। सपोर्ट फॉर पर्सनल एक्टिविटीज, सेवरल काइंड ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब के लिए आपको जॉब की आवश्यकता, जॉब एनालिसिस की आवश्यकता, क्योंकि जो सूचनाएं जॉब एनालिसिस में होती है उसी के आधार पर हम लोग ये सारी चीजें तय करते हैं। और उससे भी जो महत्वपूर्ण दो तीन चीजें हैं जॉब एनालिसिस में, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जॉब एनालिसिस की आवश्यकता है, या उसकी यूज है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए जॉब प्रोफाइल दैट डिस्क्राइब द कंटेंट, एनवायरनमेंट एंड कंडीशन ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का कंटेंट क्या है, किस परिस्थिति में जॉब होगा, किस कंडीशन में होगा, इन सब के बारे में एक प्रोफाइलिंग। तो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जॉब एनालिसिस के थ्रू जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वही डेटा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसी तरह जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में भी, जो नॉलेज एबिलिटी स्किल उस जॉब को करने के लिए है वो जॉब एनालिसिस से ही पता चलती है, ऐसे भी पता चलेगा। जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे सेलेक्शन, ट्रेनिंग, पे सिस्टम, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुख्य आधार है। जॉब का क्लासिफिकेशन कैसे हो, आप देखते हो ना, कैटेगराइजेशन होता है जॉब का, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये सब जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। और नेक्स्ट है जॉब इवेल्युएशन एंड कंपनसेशन, यानी कि आपका मूल्यांकन किस आधार पर होगा और आपको किस प्रकार की वेजेज और सैलरी, कितना
किसी काम के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सब सारी चीजें इस जॉब एनालिसिस से जो प्राप्त डेटा है उसी से तय। अगर हम पर्पस की बात करें तो अभी हमने जो तमाम चीजें देखी हैं इसमें अब थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे दो चीजों को, तीन चीजों को, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेल्युएशन के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने अभी बताया कि डिस्क्राइब द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग कंडीशन एंड एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, एक विशेष काम के लिए जॉब के लिए किस प्रकार की ड्यूटीज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, मतलब कितने घंटे आपको काम करना है, क्या काम करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, हर अलग अलग लेवल के लिए चीजें वेरी करती रहती है। जॉब की टाइटल, टाइप ऑफ समरी, वर्कर रिक्वायरमेंट, ये सब सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए एक जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइटल्स पब्लिश किए जिसमें 12,000 ऑक्यूपेंट्स के बारे में, यानी कि जॉब के बारे में दिया हुआ है, जॉब टाइटल के बारे में। तो उस जो है स्टैंडर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए इस DOT को, यानी कि डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइटल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई नाम, कोई कैटेगरी, कोई कैडर होता है, कैसे तय होता है, ठीक है, किसी पद का नाम कैसे तय होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैनेजर, सुपरवाइजर, CEO, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑफिस मैनेजर, ठीक, ऑफिस अटेंडेंट, ये सब कैसे आता है, ये सब सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन के आधार पर। स्पेसिफिकेशन में स्किल नॉलेज एबिलिटी जो रिलेवेंट होती है, इसमें एजुकेशन एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, पर्सनल ट्रेट है, और अगर कोई इस प्रकार की खास मैनुअल डेक्सटेरिटी है, यानी कि किसी खास तरह के जो है स्किल की, फिजिकल स्किल की आवश्यकता हो, वो सब सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत। जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे पद हैं जिसमें लॉ की नॉलेज आवश्यक है। जैसे ज्यादातर आप देखेंगे तो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, चाहे बैंक में हो चाहे किसी फर्म में हो, उनको लॉ का नॉलेज ना हो कैसे करें। बहुत तरह के ऐसी जॉब है जिसमें खास तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, जैसे एयरलाइंस पायलट है, मेडिकल है, डॉक्टर्स हैं, तो ये सब सारी जो चीजें हैं। उसी तरह से यूनिवर्सिटी में आप देखें प्रोफेसरशिप के लिए PhD या उसके इक्विवेलेंट डिग्री की जरूरत होती है। जॉब स्पेसिफिकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर जॉब की अपनी एक खास विशेषता होती है, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉलेज स्किल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। इवेल्युएशन का भी मैंने बताया आपको, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम जॉब इवेल्युएशन के द्वारा निर्धारित करते हैं, और ये इस जॉब एनालिसिस के द्वारा जो गैदर इंफॉर्मेशन, जो प्राप्त सूचनाएं हैं, उसी के आधार पर हम उसको तय कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। कंपोनेंट में आप ये देख सकते हैं इसके कंपोनेंट एलिमेंट, टास्क, ड्यूटी, पोजीशन, जॉब ऑक्यूपेशन, जॉब सर, इसकी एक हायरार्की है और वो हायरार्की आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं।
एलिमेंट टॉप पे है, टास्क, ड्यूटी, देन पोजीशन, जॉब एंड देखो। इस तरह से हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं कॉम्पोनेंट के। एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर यूनिट इनटू विच वर्क एक्टिविटी कैन बी सब्डिवाइडेड, सब काम के टुकड़े जिसको कहते हैं डिविजन्स। टास्क और जो है एन आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ वर्क एक्टिविटी प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोजिट ऑफ मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक। क्या करना है उस ड्यूटीज, ठीक है, जो कई टास्क आपको करने होते हैं उसको मिलकर ड्यूटीज, टास्क पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी। पोजीशन यहां पर क्या है? पोजीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ड्यूटी रिक्वायर ऑफ वन पर्सन परफॉर्म द जॉब, ठीक। तो जितनी आपकी ड्यूटीज हैं उन सबका कॉम्बिनेशन है पोजीशन। जॉब क्या है? ए ग्रुप ऑफ पोजीशन दैट आर सेम एन आर देयर जॉब एलिमेंट टास्क एंड अदर टू बी कवर्ड बाय द सेम जॉब एनालिसिस, ठीक है। तो जॉब जितनी ड्यूटीज है ये जो है ड्यूटीज से रिलेटेड, मतलब सेम ड्यूटीज जो होंगी वो एक जॉब हो गया आपका। ऑक्यूपेशन क्या है? एक जो है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड जॉब, जो स्किल एग्जॉशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्टिकुलर एक तरह के जो चीजों के लिए आवश्यक हो, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन भिन्न भिन्न संगठनों में, ठीक है, जो स्किल के या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर जो जॉब को आप कंबाइंड कर सकते हैं। और लास्ट है जॉब फैमिली, कैटेगरी इन विच सिमिलर कुकून्स आर ग्रुप्ड, कुकून मतलब लेयर, सब एक तरह से मिला के करते हैं जॉब फैमिली। अब जैसे टीचिंग जॉब फैमिली, अब टीचिंग में भी अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, कोई प्राइमरी में है, कोई मिडिल में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई जो है किंडर सिस्टम में है, ये तमाम तरह के ऑक्यूपेशन हो सकते। अब उस पर्टिकुलर जॉब का मतलब जो आप करते हैं, ठीक, टीचिंग एक जॉब फैमिली, जो अलग अलग जो आप देखते हैं ऑक्यूपेशन एजुकेशन के अंतर्गत टीचिंग। अब जो आप जॉब जिस भी सिस्टम पर करते हैं वो आपका जैसे जो है यूनिवर्सिटी टीचर वो उसका जॉब हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन जो पर्टिकुलर, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ड्यूटी टू टीच एंड डू द रिसर्च, यहाँ पर टास्क, ठीक है, रिसर्च एक्टिविटीज। और एलिमेंट क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर वर्क है, सब डिविजन, तो जैसे टूडेज क्लास। इस तरह से कंपोनेंट एनालिसिस, कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या है जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में। तो 6 स्टेप्स हैं जॉब एनालिसिस को करने में। पहला है डिसाइड हाउ वी विल यूज द इंफॉर्मेशन, दूसरा रिव्यू रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तीसरा सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, एनालाइज द जॉब, फिफ्थ है वेरीफाइंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, एंड सिक्स्थ है डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इस तरह से जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया संपादित होती है अलग अलग 6 स्टेप। यू कैन सी हियर इन पिक्टोरियल फॉर्म डिसाइड हाउ वी विल यूज द इंफॉर्मेशन, मतलब किस तरह से सूचना हम कलेक्ट करेंगे, सूचना कलेक्ट करने के तमाम ऐसे तरीके, कौन सा हम मेथड यूज करेंगे। रिव्यू रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं उपलब्ध है, ठीक है, उसका रिव्यू करना। तीसरा सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, पर्टिकुलर किस पद के लिए आपको करना है, एनालाइज एक्चुअली एनालाइज द जॉब, अब उस जॉब के बारे में तमाम सोर्सेस सूचनाएं प्राप्त करना। वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, जो सूचना मिली है वो सही है कि नहीं है,
वो जॉब होल्डर्स के द्वारा जैसे कि कहते हैं वेरिफिकेशन करना, ठीक है, ऐसे कोई सूचना है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो जो उस काम को कर रहा है उसे बात करके आपका। और नेक्स्ट क्या, डेवलप ए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इस एनालिसिस के आधार पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करना कि पर्टिकुलर पद में क्या करना है, उसकी ड्यूटीज क्या होगा, रोल क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी। स्पेसिफिकेशन मीन्स टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटी, व्हाट काइंड ऑफ स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड। इस आधार पर हम लोग ऐसे उसका जॉब एनालिसिस करते हैं। अब उसी को हमने अलग अलग दिया है कि डिसाइड हाउ वी विल यूज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो अलग अलग जो स्रोत हैं उनमें से किस स्रोत का आप इस्तेमाल करके आप डेटा कलेक्ट करेंगे सब, ठीक है, जैसे इंटरव्यू के द्वारा भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मैंने उसमें लास्ट वाले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। उसी तरह पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आर, पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आर बना के आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, तो ये तमाम तरीके हो सकते हैं। रिव्यू रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में, प्रोसेस में, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है उसको रिव्यू करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, जैसे बहुत से एक सिमिलर जॉब में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो हम जैसे उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है उन्हीं को एनालिसिस करते हैं, सबकी नहीं कर सकते। अब 200 जॉब एक ही तरह के तो हम सबकी नहीं करेंगे, उसमें से जो सैंपल 10 लोगों पर, आप जैसे रिसर्च के बारे में आपने सुना होगा, जो रिसर्च की जाती है वो ज्यादातर सैंपल पर की जाती है, ठीक है। जैसे आपने अक्सर ये चुनाव का सुना होगा कि ओपिनियन पोल करते हैं, तो ओपिनियन जब जैसे बनारस में करना है तो बनारस की मान लीजिए 10 लाख पॉपुलेशन है, तो 10 लाख लोगों पर नहीं करेंगे, जैसे वो अलग अलग क्षेत्रों से कुछ लोगों को उठा लेते हैं और उनसे पूछ लिए, 10 लोगों को यहाँ कर लिए, 10 लोगों को बीएचयू के पास कर लिए, 10 लोगों को डीएमई पास कर लिए, 10 लोगों को इंटरव्यू काशी विद्यापीठ के पास कर लिए, 10 को यूपी कॉलेज के पास, मतलब ऐसे करके कर लिए, और पता चला कि 200 400 500 लोगों पर करके एक जो है व्यू क्या आ रहा है वो निकालते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजिशन, सारी पोजिशन को हम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। 12,000 मैंने जैसे बताया कि पद है ऑर्गेनाइजेशन जो डीओटी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशनल टाइटल डिक्शनरी में, उसी तरह एनालाइज द जॉब, आफ्टर क्लियरिंग द पोजीशन नाउ यू हैव टू एनालाइज द, ठीक है। तो अब इसमें जॉब एक्टिविटी के बारे में, जो जॉब बिहेवियर के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में, ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में चौथे स्टेप पर जो है सूचना कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कई मेथड जॉब एनालिसिस के यूज हो सकते हैं। अब जो सूचना मिली है वो सही कि गलत है उसको जानने के लिए वेरीफाइंग जॉब इंफॉर्मेशन, तो जॉब एनालिसिस की जो सूचना है वो सही है कि नहीं है, उसको तो जो उस पद पर उस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनसे फिर से बात करके कि हमने ये पाया कि इस जॉब में इस तरह का काम होता है, वो बताएगा कि हाँ होता है कि नहीं होता है। अच्छा, हमने जैसे सुना है कि इस पद के लिए टेक्निकल की आवश्यकता हो, वो बताएगा कि होती है कि नहीं। जैसे चंदन ने पिछले में सवाल पूछा था ना रेलवे वाला, तो बताया कि पहले सर ऐसे ही लोगों को भर्ती हो जाते थे, अब जो है ग्रुप डी में 10 पास कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। तो ये जॉब एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है कि भाई पता चला कि जो अनपढ़ लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए 10 पास करा दिया। हो सकता है कि कल को ग्रुप डी के लिए कुछ टेक्निकल उसमें लगा दे कि आपको इस तरह की चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ, समय के बदलने के साथ ये चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। एंड लास्टली डेवलप ए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने बताया ही कि उस पर्टिकुलर जॉब टाइटल का क्या जो है उसके अंदर रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, वर्किंग कंडीशन क्या है, सेफ्टी हजार सब सारी चीजों के बारे में, और डिस्क्रिप्शन ये जो पर्सनल क्वालिटीज है, ट्रेट्स है, स्किल है, उन सब के बारे में डिटेल जो है। आप ये जब आप मास्टर में आएंगे तो इसी का हम लोग प्रैक्टिकल भी कराते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के एनालिसिस आपको करके डिस्क्रिप्शन और उसका स्पेसिफिकेशन लिखना होता है, ठीक है।
ये तमाम मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस के जो यूज किए जाते हैं। अभी आपको इस लेवल पर इस सबके बारे में बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, आ जानिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड आप जानते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को देखना, समझना, जैसे कोई काम क्या कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना। जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, वो परफॉर्मेंस करने के बाद, ठीक है, वर्क सैम्पलिंग, कुछ लोगों को कुछ उसमें से पर्टिकुलर काम को जो है सैम्पलिंग करना है, जैसे कर पूरे काम को ना देखकर एक पर्टिकुलर टास्क को वो कर लेना, ठीक है। इंडिविजुअल का इंटरव्यूज करके भी आप कर सकते हैं एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर, जैसे मैंने पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आयर दिया, उसी तरह से पोजिशन एनालिसिस के क्वेश्चन आयर होते हैं। छठा क्या, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, उस जॉब में पर्टिकुलर कोई एक्सीडेंट, कभी इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, तब आप उसको बारे में एम्प्लॉय से जानकर कि क्या है, तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह के जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बारे में आप जा सकते हैं। और डायरी मेथड, ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, अगर एम्प्लॉयज वो अपने महीने की प्रतिदिन की डायरी मेंटेन करने को कहा जाता है कि आप क्या कर किए हैं, उसके द्वारा आप इसके एनालिसिस के द्वारा जान सकते हैं। ये तमाम तरीके हैं जिससे हम लोग जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। एंड लास्टली, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, तो जॉब एनालिसिस इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये प्लानिंग और किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने, प्लान करने में इसका रोल है। करंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने भी बताया ग्रुप डी के उसके लिए। कंडक्टिंग नीड रिसर्च, इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि कर्मचारियों को प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। कभी भोजन, रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था, अब रोटी कपड़ा मकान नहीं है प्रायोरिटीज, और प्रायोरिटीज बदल गई है, ठीक है। सबको लेविश लाइफ चाहिए, एकदम लग्जरी चाहिए, पैसा सैलरी कम भले हो, सुविधाएं बहुत हो, कम सैलरी हो लेकिन घूस खाने की व्यवस्था हो, इस तरह की आप जॉब लोगों की प्रेफरेंस है, ठीक है। एक एसआई की सैलरी कितनी होती होगी तो आप सोच सकते हैं, चाहे एक क्लर्क, जैसे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट में चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, इन सब में जो होते हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन इनकी लिविंग स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, इनके पास ब्लैक मनी देखी, ठीक है। तो प्रायोरिटीज क्या है वो जानना होता है। प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, तो इन दोनों को अपडेट करते रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमेशा नई नई चीजें, जैसे किसी भी पद से जुड़ा कोई नया, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने जॉब को अपग्रेड कर रहे हैं, तो सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसको चलाने वाले लोग भी उसी हिसाब से अपग्रेडेड होने चाहिए ना। ये सब तमाम चीजें हैं, इसकी वजह से जॉब एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू सर। सर हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ चंदन बोलो, थोड़ा आवाज तेज करके बोलो, आवाज कम आ रही है। यस सर, यस आवाज आ रही है सर, क्लियर। हाँ बोलो सर। वो आपने भी सर एग्जांपल दिया सर, ब्राइब का सर दिया, और मतलब एक होता है सर ना भ्रष्टाचार करप्शन का सर, सर तो इसके खत्म करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की जाती है हम लोग में, साइकोलॉजी में इसको मतलब एक बनाया था मेथड्स, इसको कम किया जाए, लोगों को मतलब जागरूक किया जाए, तो ये कैसे वर्क करता है सर? मैं समझा नहीं तुम्हारा प्रश्न। सर जैसे कि ब्राइब एक प्रॉब्लम है सर, ब्राइब हम लोग लेते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये मतलब एक तो डिमेरिट होता है सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके लिए साइकोलॉजी वर्क करता है सर? साइकोलॉजी जो हम लोग का फील्ड है सर, अप्लाइड साइकोलॉजी, बिल्कुल वर्क करता है। इसको काम करने के लिए ही एंटी करप्शन ब्यूरो और क्या क्या चीजें बनाई हुई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंडिविजुअल की, ठीक है। सिस्टम चाहे हम ही लोगों से बनता है, अब सिस्टम का जो प्रत्येक कंपोनेंट है वही गड़बड़ हो, ठीक है, तो कितना आप सुधार सकते हैं? पता चला कि एंटी करप्शन ब्यूरो का जो अधिकारी है वही करप्शन में गिरफ्तार होता है, सीबीआई का अधिकारी ही गिरफ्तार हो जा रहा है भ्रष्टाचार में, इनकम टैक्स का ऑफिसर ही भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो रहा है, तो जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो
एक जो है ट्रेंड चलता है, ठीक है, और ट्रेंड के अनुसार जो चीजें चलती है। अभी आप देखोगे तो जैसे एशियन टाइगर्स में जो है आप माने जाते हैं मलेशिया है, सिंगापुर, इनकी इकोनॉमी क्यों ग्रो कर गई? क्योंकि वहां उन लोगों ने भ्रष्टाचार को रोक लिया। भ्रष्टाचार वहां रुका कैसे? तो वहां पर कानून बने नहीं बल्कि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ इतने लंबे चौड़े कानून है कि आप किसी न किसी विधि से, आप चाहे जितने भी भ्रष्ट हो चाहे जैसे भी हो, बच ही जाते हैं, कुछ होता नहीं। आप जितने भी केसेस देखे हों, चाहे विजय माल्या का हो, मेहुल चौकसी का हो, लालू यादव का हो, पता नहीं कौन कौन से घोटाले हैं, किसी को किसी में, वो कौन साउथ के डी राजा कौन से थे उनका हो, कभी कुछ होता नहीं है। तो एक पब्लिक मैसेज क्या जाता है कि करने के बाद बच ही जाएंगे भाई, काम हम करेंगे, सजा हमारे अगली पीढ़ी को तो मिलनी नहीं है। तो एक जो साइकोलॉजिकल जो माइंड सेट है लोगों का, वो ये है कि यू आर सेफ इन इंडिया टू डू एनी क्राइम, ठीक है, कोई भी क्राइम करके आप बची जाते हैं। इवन यहाँ आतंकवादियों को भी सपोर्ट करने के लिए वकील बने हैं, ठीक है, वो रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवा कर उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करवाते हैं। तो हमारा कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोगों को कोई भी बहुत क्लियर कट साइकोलॉजिकल मैसेज नहीं जा रहा है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके साथ गलत होगा। यहाँ है कि जो गलत करता है वही ज्यादा सेफ है सिस्टम के साथ। और प्रॉब्लम क्या है कि ईमानदार आदमी भी बहुत दिन तक चलता नहीं है, ठीक है। सिस्टम के साथ अगर आपको रहना है तो आप सिस्टम के अनुसार अनुरूप रहिए, नहीं तो सिस्टम उठा के आपको फेंक देगा। आप अगर देखेंगे तो भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका क्या हश्र हुआ आपको मालूम? आपको जो देखेंगे जितने भी ईमानदार, तो चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस, उनकी क्या स्थिति होती है आपको मालूम? तो यहाँ ईमानदारी को लोग रिवार्ड नहीं करते हैं बल्कि पनिश करते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल गेम यही है, ठीक है। और चूंकि मेजोरिटी उन्हीं की है, दे आर लॉ मेकर, दे आर पॉलिसी प्लानर, तो अभी इतना जल्दी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन जो मैसेज सोसाइटी को साइकोलॉजी देती है, यानी कि जो लॉ ऑर्डर के थ्रू जाता है वही वर्क करेगा ना। तो इसलिए हम लोग अभी उसमें बहुत सफल नहीं हो पाए और हो भी नहीं पाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं दिख रहा है कि 10-20 साल में कि कुछ इसमें कोई बहुत ट्रिमेंडस चेंज ले आए, ठीक है। थैंक यू सर। आवाज चलिए नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है? आ रही है सर? हाँ बताओ। सर ये जैसे अभी हम लोगों ने जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा। हेलो हेलो सर, बोलो सानू। आवाज आ रही है? हाँ बोलोगे तब ना प्रश्न आएगा। हाँ सर, बोल रहा था जैसे हम लोगों ने अभी जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, तो हाँ इसमें साइकोलॉजी का जो यूज है सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा था कि सर इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, स्टेप्स, ये सब कुछ समझ में आ रहा था सर। एक्चुअली इसमें मतलब कि साइकोलॉजी का यूज है क्या? जैसे कि हम लोग के जो दैनिक जीवन में हर जगह एक इम्पोर्टेंस होता है साइकोलॉजी का, हर जगह अप्लाइड होती है नहीं, वो। नहीं अभी तुम साइकोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाए हो ना। साइकोलॉजी का यूज तो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में है। व्हाट एवर यू आर यस डूइंग दैट इज द साइकोलॉजी, ठीक है। तुम यहाँ सर, क्लास में बैठे हो इसकी भी एक साइकोलॉजी है, आप प्रश्न पूछ रहे हो इसकी भी साइकोलॉजी है, ठीक है। तो उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक नहीं सर, जैसे है। तो साइकोलॉजी के यूज के बारे में तो आपको कोई उसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है कि यूज क्या है। बिकॉज मैंने कहा ना कि आप क्लास में बैठे हो ये भी एक साइकोलॉजी है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसकी भी साइकोलॉजी है, ठीक है। प्रश्न दो तरह के लोग पूछते हैं, एक तो जिनको समझ नहीं आता है और दूसरा जो उनको उनका उत्तर पता होता है, ठीक। तो ये जॉब एनालिसिस में जो भी काम होता है ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या एचआर प्रोफेशनल करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जो एक ओबी एचआर का जो ओबी का जो फील्ड है, वो जो एचआर मैनेजर सब वो मार ले गए, और हमारा क्लिनिकल का जो फील्ड है उसको उसके ऊपर हावी हो गए हैं जो मेडिकल डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी रोल समझ नहीं आ रहा है। तो रोल तो वही है, काम तो हमको भी वही करना है, ठीक है, हम भी वही काम करते हैं। लेकिन वही है कि उसमें ज्यादातर डोमिनेंसी उनकी है, ये काम करेगा कौन,
ये जो जॉब एनालिसिस का काम है, ये कोई इंजीनियर तो करेगा नहीं, डॉक्टर तो करेगा नहीं, अकाउंटेंट तो करेगा नहीं, इसको करने वाले को एचआर प्रोफेशनल कहते हैं। अब एचआर प्रोफेशनल साइकोलॉजी से हो सकता है, मैनेजमेंट से हो सकता है, यही दो फील्ड है। ठीक है, सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जो रेलवे का कुछ करके बोल रहे थे कि दैट टाइम, अगर पहले जो अभी आपने एग्जांपल दिया रोटी कपड़ा और मकान, पहले आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था सर। बिल्कुल जैसे पहले सर खेती हल से होती थी तो एक पर्सन लगता था उसे चलाने के लिए। अभी जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है या कर चुकी है तो ट्रैक्टर के लिए एक पर्सन लग रहा है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? इसमें साइकोलॉजी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग लग रही है, कैसे लग रही है सर समझ में नहीं आ रहा है। ये रिक्वायरमेंट तय कौन करेगा? जो हम लोग जो भी मतलब संस्था होगी, इंस्टीट्यूट होगा, मैंने कौन तय करेगा? समझ नहीं पा रहा हूँ सर। नहीं, समझने का उसमें है क्या तुमको? ये नहीं, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? सर, जरूरत जैसी मतलब कैसे मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ सर। नहीं, रिक्वायरमेंट तय करने का काम किसको है? पढ़ाने का काम किसको होता है? टीचर को होता है कि किसान को होता है? नहीं सर, टीचर को होता नहीं, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा था। वही एग्जाम्पल तो मैं भी बता रहा हूं ना। ये यस तय तय करने वाला जो एनालिस्ट है, सर, जो तुमको रेलवे में भी बहुत साइकोलॉजी के पद होते हैं, ठीक जी है, और रेलवे में जो भी जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होते हैं ना, जी वो सर, सब साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही किए जाते हैं, उनकी पोजीशन एनालिसिस वही करते हैं। जी सर, तो उसमें नहीं समझने लायक तो हमको नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। उसमें साइकोलॉजिस्ट का या जो जो एचआर मैनेजर होते हैं उनका यही काम ही होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट का जो तुम लोगों को दिमाग में भ्रम है कि उनका काम बीमारी और उसका उसका रक्षण करना है, वो सिर्फ नहीं है, ठीक है। खाली मनोविज्ञान का काम मानसिक सर बीमारियां नहीं है। जी सर, मनोविज्ञान का काम होता है व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए जितने भी आयाम हो सकते हैं सब में उसको उपयोगिता है, ठीक है। जैसे इवन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, नो डाउट, लेकिन जैसे हम लोग किसी फील्ड में, पार्टिकुलर किसी फील्ड में यूज करते हैं उसका, तो सर उसमें मतलब जैसे अभी ये जॉब एनालिसिस का, तो हमने इसमें देखा सीखा कि क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है, स्टेप्स हैं एंड कुछ फंक्शन इसमें है। तो इसमें जैसे आपने बोला जॉब एनालिसिस में कुछ कैंडिडेट को सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है सर, उसमें नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एटसेट्रा, तो सर इसमें मतलब साइकोलॉजी ही इस चीज को निर्धारित करती है। सब चीज को, तुम्हारी पर्सनालिटी किस प्रकार, कौन निर्धारित करेगा? तुम्हारा इंटेलिजेंस का लेवल कौन निर्धारित करेगा? स्टैटिस्टियन करेगा कि फिजिशियन करेगा, फिजिस्ट केमिस्ट करेगा, कौन करेगा? स्किल नॉलेज एबिलिटी का निर्धारण कौन करेगा, ये बताओ। कि हिंदी वाला करेगा कि संस्कृत वाला करेगा, अंग्रेजी वाला करेगा, कौन करेगा? नहीं सर, जैसे अभी आपने मतलब कोई भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है तो स्किल अपना एबिलिटी दिमाग उसमें। थोड़ा ओपन करो, सब समझ में आएगा। जॉब की रिक्वायरमेंट में, जॉब में किस तरह की क्षमता होनी चाहिए, ये कौन तय करेगा? सर बोल, ये चीज अभी तुमको इस लेवल पर नहीं समझ में आ रही है। मास्टर लेवल पर ये इसका स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो तुमको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तुम्हारे पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि उस पोजीशन के एनालिसिस का काम कौन करेगा, तुम ही बता दो हमको। हम हिंदी वाले से करा लें कि संस्कृत वाले से करा लें कि हिस्ट्री वाले से करा दे सकते हैं उसको, चाहे मैथमेटिक्स वाले से करा सकते हैं, चाहे फिजिक्स वाले, किससे करा सकते हैं? किसी व्यक्ति के एबिलिटी के बारे में कौन जानकारी देगा? आपके एटीट्यूड, साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस के बारे में किसको जानकारी होगी? साइकोलॉजिस्ट सर, कोई भी मतलब जो जैसे रिक्वायरमेंट होगी नहीं, वैसा तुम पूरा कंफ्यूज हो गए हो। अब पहले उसको बैठ कर पढ़ो। मैंने कहा कि साइकोलॉजी इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, व्हाट एवर यू आर डूइंग, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग। जो तुम सोच रहे हो ये भी मनोविज्ञान है, जो तुम कर रहे हो वो भी मनोविज्ञान है। तो अब मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में उसको लिमिटेड करने का तो हमको आस्पेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा। जो भी तुम सोच रहे हो, इवन जो हिंदी में कविता लिखता है तो उसका भी, उस कविता का भी मनोविज्ञान होता है, ठीक है। और उसकी जो मन स्थिति होती है उसी के अनुसार वो लिखता है। आप कहोगे कि कविता में मनोविज्ञान क्या?
मनोविज्ञान साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंस फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सर, जन्म से यस लेकर मृत्यु तक जो भी आप काम करते हैं सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। मानव मन मन जहां है मनोविज्ञान वहां है, तो बिना मन के तो कुछ करोगे नहीं, ठीक है। तो उसको डिलिमिट मत करो, कोई उसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि इसमें कैसे हो रहा है उसमें कैसे हो रहा है, वो सब में हो रहा है। वो काम स्पेशलाइजेशन का होता है ना, जो जिसकी जो क्षमता जो योग्यता होती है। अब पर्सनालिटी टेस्टिंग इंटेलिजेंस टेस्टिंग के बारे में पढ़ाया ना, ये बिना टेस्टिंग किसे किसी की हम कैसे तय करेंगे कि उसकी जो एबिलिटी क्या है। एबिलिटी बताया ना इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, यस सर, टेस्टिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तब तो कैसे कौन करेगा। कह रहे हो कि मनोविज्ञान इसमें क्या करेगा, तो करेगा कौन यही हमको बताओ। इसको इंजीनियर करेगा, मैकेनिक्स करेगा, वो क्या बोलते हैं जो है डिप्लोमा होल्डर करेगा, मेडिकल डॉक्टर करेगा, या हिस्टोरियन करेगा, या पोएट करेगा, करेगा कौन जब मनोवैज्ञानिक नहीं करेगा। तो जिसका जो काम होता वही करेगा ना, तो हमारा वही काम ही है। अब तुम उसको लिमिटेड मत करो, ठीक है। ओके सर, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन से लेकर रिटायरमेंट तक जितने भी काम होते हैं, क्यों काम वो लोग करते हैं, बाकी सैलरी कैसे तय होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि इंडिया में हिस्ट्री का भी जो है मास्टर करने वाले आरबीआई का गवर्नर बन सकता है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये अपना डेमोक्रेसी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट स्पेशलाइजेशन वही होता है, समझ गए। जो जिसका विशेषज्ञ होता है वही काम करता है। तो सिलेक्शन ट्रेनिंग प्लेसमेंट ये सब तो हमारे उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है साइकोलॉजी का उसमें करना है। अभी तुम लोगों के दिमाग में मनोविज्ञान का मतलब होता है मानसिक बीमारियां, ठीक है। यस मानसिक बीमारियां नहीं होती है, वो खाली एक पार्ट है, इस तरह के 100 फील्ड है। और मनोविज्ञान को बदनाम ऐसे ही लोग किए हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब बीमारियों का विज्ञान, डिप्रेशन एंजाइटी और फोबिया, ऐसा नहीं है। स्पेस और इवोल्यूशन साइकोलॉजी भी है, हेल्थ साइकोलॉजी भी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी है, काउंसलिंग भी होती है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी है, ठीक है। इवन मैथमेटिकल साइकोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी है, इकोनॉमिकल साइकोलॉजी भी है, ठीक है। अभी 2 साल पहले इकोनॉमिक्स के फील्ड में जिसको मिला था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, बाइंग सिस्टम के लिए, बायर बिहेवियर के लिए, वो प्योर इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, अब उसको डिलिमिट नहीं कर सकते आप कि हमारा कहाँ उपयोग कहाँ क्षेत्र है। हम एक एक क्षेत्र अप्लाइड तो एस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हर जगह इसका एप्लीकेशन है। अभी थोड़ा और पढ़ो, पढ़ते जाओगे क्लियर होता जाएगा। सर, हाँ एक छोटा सा डाउट था सर। जैसे कि आपने सर बताया कि एलिमेंट्स जो बताए सर आपने जॉब एनालिसिस के, उसमें लिखा है एलिमेंट, टास्क, ड्यूटी, पोजीशन, जॉब ऑक्यूपेशन, जॉब फैमिली। सर तो इसमें देखते हैं सर जॉब एनालिसिस में क्या सर ये भी आता है वर्किंग कंडीशन सर, क्योंकि सर जॉब बिल्कुल, के ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन भी होनी चाहिए ना सर। वर्किंग कंडीशन नहीं है। वर्किंग कंडीशन की कितनी बार मैंने चर्चा की, इसमें नोट नहीं सर ने, इसलिए हम वर्किंग कंडीशन जैसे कि अगर हम कहीं फील्ड में का हमको 48 घंटे की अरे जॉब ड्यूटी करनी है एक वीक में सर। तुम किसी चीज को कहाँ उठा के लेके चले जा रहे हो। इसका ही पैमाना तय किया जाता है सर ना कि एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए, ऐसा स्पॉट फेयर होना चाहिए, ऐसे मतलब रखना तो चाहिए तुम लोगों को। किसमें नहीं देख रहे हो, एटमॉस्फियर कहाँ तुमको नहीं मिल रहा है, बताओ। जॉब उसमें बताया था ना कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस में सर, हाँ तो उसी में सर किसमें रखेंगे सर उसको ये नहीं समझ आ रहा सर। अरे वो बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन होगा ना, जो भी वो जॉब तो करें सब अभी। में होगा ना, वो तो सब में होगा। ये तो फिर वही चीज आ गई तुम लोगों की, ये तो कंपोनेंट है। वो एलिमेंट में भी कंट्रीब्यूशन होगी, टास्क में भी होगी, ड्यूटी में भी होगी, पोजीशन में भी होगी, वो तो सब में होगी, ऑक्यूपेशन में होगी, फैमिली में होगा, कंडीशन तो सब में होगी ना। ये काम कहाँ होगा, किसी कंडीशन में ही होगा ना। ओके सर, ओके, यस ये तो समझ कंपोनेंट गया बनाया गया ना, उसको सब
डिवीजन किया गया है, तो ये चीजें इसमें होंगी, पर ये जॉब परफॉर्म कहाँ होगा? आप जॉब कहाँ करेंगे, टास्क कहाँ करेंगे, हवा में करेंगे, वैक्यूम में, ये किसी कंडीशन में ही होगी। वो कंपोनेंट की बात है, तब कंपोनेंट तुम दो चीजों को मिक्स कर दोगे तो कहां से बनेगा कुछ? यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स ना, मैंने कहा कंपोनेंट। जी अब जी समझ गए। मैं कहूं कि जो है शरीर में जो है कितने सिस्टम है, तो मैंने कहा चार सिस्टम है भाई, आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और मान लो इम्यून सिस्टम है। तो कहोगे कि सर हड्डी किस में आएगी, कौन से सिस्टम में आएगी? अब इस डिवीजन में हड्डी किस सिस्टम में आएगी, जरा बताओ हमको। वट एवर दिस यू आर आस्किंग, दैट इज द सिमिलर क्वेश्चन ना, यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स। मैंने कहा कि ये इसके कंपोनेंट हैं। अब ये कंपोनेंट है, इसके एनालिसिस करेंगे तो एनवायरमेंट तो होगा ही ना उसका। चलो क्लियर है? यस सर, समझ गए सर, समझ गए सर। थैंक ओके, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल यू मीट सर, सून थैंक नेक्स्ट क्लास। यू सर, अटेंडेंस थैंक और यू वेदर सर।